Assalamualaikum dear students, I am your teacher Raja Tahin, teacher Government UP Swal Ramazan Mawar, and this is class 8 and subject is science, and today we will begin a new topic, that is reaching the age of adolescence. So ek naya topic hum shuru karne ja rahe hain aaj. So let me introduce with the topic. As earlier we have फिनिश द टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो कम्प्लीट किया, तो हमने इसलिए ये वाला टॉपिक अब उठाया ताकि ये, क्योंकि ये उसे इसकी काफ़ी रिलीवेंस है उस चैप्टर के साथ. तो जैसा कि हमने समझ लिया कि जो रिप्रोडक्शन है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली इन ह्यूमंस एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम इंक्लूडिंग एनिमल्स. तो ये जो रिप्रोडक्टिव का रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इससे हमें पता चला कि दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड इट दिस इज़ द ओनली प्रोसेस बाय विच न्यू यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड एंड जनरेशन गेट्स रनिंग, जनरेशन गेट्स गोइंग ऑन. तो ये जो जनरेशन दर जनरेशन जो नस्लें आती रहती है, ये एक यही एक प्रोसेस है, एक यूनिक प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो इसके मोड्स भी हमने वहाँ पे पढ़े थे उस चैप्टर में, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, और फिर हमने प्लांट्स में भी ये मेथड्स देखे, सेक्सुअल असेक्सुअल, और एनिमल्स में भी देखे हमने. तो इसके बाद जो आज हम जो नया टॉपिक है शुरू कर रहे हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस. तो लेट मी क्लियर फर्स्ट दैट जो ग्रोथ है, दैट्स एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो एक सिंस फ्रॉम द बर्थ ग्रोथ इंसान की स्टार्ट होती है, नॉट फ्रॉम द बर्थ, आई विल से सिंस फ्रॉम दैट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ही ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. तो हम जनरली हम कहते हैं कि पैदा होने के बाद ग्रोथ हो जाती है. तो बहरहाल, तो जब इंसान पैदा होता है, उसके साथ ही उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. ग्रोथ का मतलब है उसके जो बॉडी पार्ट्स है, इसकी ब्रेडथ, इसकी विड्थ आई विल रादर से, और इसकी हाइट वगैरह बढ़ने लगती है, इसके जो बॉडी पार्ट्स है बढ़ने लगते हैं, तो ये ग्रोथ हो गया. तो इसके साथ साथ एक पीरियड आता है इस मेल्स एंड फीमेल्स में, ह्यूमंस में. तो जब इंसान, जब ये ह्यूमन बीइंग्स कैपेबल हो जाते हैं, एक मैच्योरिटी स्टेज इनमें आ जाती है, तो इस ग्रोथ के साथ साथ तो एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा पीरियड आ जाता है, तो जब ये बॉय हो या गर्ल हो, ये एक मैच्योर स्टेज में पहुंच जाते हैं. तो उस मैच्योरिटी के जो स्टेज हैं, ता उस वहाँ पे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं इसमें. तो उस वक़्त, उस पीरियड को, उसे हम एज ऑफ एडोलेसेंस कहते हैं. तो यानी जो ह्यूमन बीइंग्स में ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस है, ये शुरू होती है 11 ईयर से, आफ्टर द एज ऑफ 11, जो 11 साल का जो लड़का और लड़की हो, ये शुरू हो जाती है. तो ये एंड ये रहता है, ये जो पीरियड है एज ऑफ एडोलेसेंस, ये रहती है अप टू 18 एंड 19 ईयर, यानी 18 साल के आसपास तक ये पीरियड रहता है, 11 साल से 18 साल या 19 साल तक ये जो पीरियड, ये एज है, इनमें ये एज ऑफ एडोलेसेंस रहता हो जाता है, इसे हम एज ऑफ एडोलेसेंस भी कहते हैं. तो एडोलेसेंस का मतलब हमने ये समझ लिया, ये एक ऐसा टाइम है जब ह्यूमंस या बॉय या गर्ल हो, एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है, इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि हम ये कहेंगे दे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बिकेम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तब इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, मेल है या फीमेल है, वो रिप्रोडक्शन के कैपेसिटी में आ जाते हैं, यानी कि उसमें वो कैपेबिलिटी पैदा होती है, वो मैच्योर हो जाते हैं. तो मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताऊंगा
कि हम आप अंदर आप इसी से अंदाज़ा लगाएंगे, आप समझ जाएंगे। अगर हम एक छोटा बच्चा हो या 5 साल 4 साल या 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल या तक का बच्चा हो, उसे हम उनकी हम शादियां नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो वो रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, वो तब तक नहीं होती, क्योंकि उनमें जो वो मैच्योरिटी का स्टेज अभी नहीं आया होता है। तो इसीलिए हम उनकी जो वो उसमें उस शादी वाली शादी के बंधन में नहीं बांध सकते। दैट्स वाई देन आफ्टर द एज ऑफ 11, इसलिए हम इस्लाम में भी कहते हैं कि 11 साल का जो लड़का हो या लड़की हो वो बालिग हो जाता है, यानी कि वो शरी तौर मतलब उसके जो निकाह है उसके वो जायज़ हो जाते हैं 11 साल से ऊपर के एज हो, 12 साल 13 साल 14 साल। तो यही वजह है कि हम वहाँ पे कहते हैं कि 11 साल के बाद जो लड़का लड़की ये बालिग हो जाती है, तो उसी बालिग होने को हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये अब हम ये याद रखेंगे, ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये 11 साल से शुरू हो जाता है और ये 18-19 साल तक चलता रहता है। तो इस पीरियड को हम ये जो 11 से 18-19 साल तक, इसको हम टीन एज पीरियड भी कहते हैं, यानी कि हम ऐसे बच्चों को, ऐसे लड़के लड़कियों को, ऐसे बालिग, हम यह लफ्ज़ में यहाँ पे यूज़ करूँगा बालिग, ऐसे मैच्योर यानी बालिग लड़कों लड़कियों को जिनकी एज यहाँ 11 से ऊपर फिर चली जाती है, बाद में वो 13, ये जो 11 और 12 ये तो इनके अर्ली एडोलेसेंस की एज होती है, बाद में जब ये 13 से ऊपर चले जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो इस एज को हम टीन एज कहते हैं। यानी इन और जो ये लड़के लड़कियां होते हैं ऐसे इस एज के 13 से 19 तक, इनको हम टीन एजर्स कहते हैं। तो इस पीरियड में यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको थोड़ा ऐड करूँ कि ये जो बॉयज़ के कम पीरियड में लड़कियां थोड़ा सा जल्दी बालिंग हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लड़कों से, यानी कि बॉयज़ के मुकाबले में जो ये जो पीरियड है टीन एजिंग पीरियड में जो मैच्योरिटी ज़्यादा इसमें हो जाती है कि इनमें एडोलेसेंस में इन गर्ल्स में, तो इनमें रिलीज ऑफ कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है, तो इनमें थोड़ा एज कम्पेयर टू बॉयज़ लड़कियों में एडोलेसेंस के जो सिम्टम्स जल्दी नज़र आते हैं। तो ये तो हो गया ये। तो इस पीरियड के दौरान यानी एज ऑफ एडोलेसेंस के दौरान ये जो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगोज सेवरल चेंजेस, इनमें काफ़ी नुमाया चेंजेस आ जाती है, इनमें वो बचपना चला जाता है, एक नुमाया चेंजेस इनमें आती है। तो ये जो चेंजेस नमूदार होने शुरू हो जाती हैं तो इसको हम कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी या ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो आप इसको समझेंगे कि प्यूबर्टी का वो स्टेज है जब टीन एज यानी एडोलेसेंस का वो स्टेज है जिसमें से अब इनमें बाज़ाब्ता तौर ये जो चेंजेस इनकी बॉडी चेंजेस इनमें बॉडी के जो पार्ट्स हैं इनमें नुमाया चेंजेस नमूदार होने शुरू हो जाएंगे। तो वी अंडरस्टूड दैट दिस इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो इसका मतलब है कि प्यूबर्टी शुरू हो रही है। यानी हमने कहा कि 11 साल से एज ऑफ एडोलेसेंस शुरू हो जाती है, यानी 13, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 साल तक। तो फिर जो अर्ली एडोलेसेंस का एज है यानी कि 11 और 12, इनमें से आपको ज़्यादा बॉडी चेंज इनमें से इतनी ज़्यादा चेंज आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन यूँ ही ये 11 क्रॉस करके 12, 13 के ऊपर से ऊपर चले जाएंगे, इनमें से एक ज़बरदस्त एक नुमाया चेंजेस बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स शुरू हो जाती हैं, तो उसे हम ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। तो क्या है कि क्या क्या चेंजेस इनमें आती हैं? तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बॉयज एंड गर्ल्स विच बिकम ड्यूरिंग द प्यूबर्टी विच मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी इनमें पैदा हो गई है, यानी इनमें इनको ये बॉयज़ या गर्ल जो इस एज की इनकी हम आपस में शादियां कर सकते हैं और वो आफ्टर रिप्रोडक्शन उनसे वो न्यू वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो ये तो हो गई ये। देन वी विल सी देयर आर
मेनी चेंजेस विच ओकर ज्यूरिंग प्यूबर्टी, तो क्या क्या चेंजेस इनमें आ जाती है। तो एक तो मोस्ट ऑस्पिशियस चेंज यानी कि जो चेंज इसमें आती है वो है सडन इंक्रीज इन हाइट। तो इनकी जो हाइट है वो यकायक बढ़ने लगती है, ये जो बॉय या गर्ल होगा इनकी जो हाइट है वो यकायक यानी कि 11 साल तक हमें थोड़ा बच्चे में जो हाइट का जो ग्रोथ होता है वो कम होता है। जो ही ये 11 साल में दाखिल हो जाते हैं ये बॉय या गर्ल, तो इनकी जो हाइट एकदम ज़्यादा ज़्यादा निकलने लगती है, ये एक चेंज आ जाती है जिनमें जो प्यूबर्टी के दौरान। और दूसरी जो चेंज है इनमें जो इस दौरान इनके जो बोन्स होते हैं वो लंबे हो जाने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इनमें जो लेग्स की बोन्स हैं या आर्म्स की बोन्स है वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सीधी सी बात है, जब बंदे की हाइट बढ़ जाएगी इसकी टांग भी बढ़ जाएगी, और टांग जब बढ़ेगी टांग में हड्डियाँ होती हैं बोन्स होती हैं उनकी जो लेंथ भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो एक नुमाया चेंज इसमें इनमें एक है कि इनमें हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि जो इस दौरान इन ईयर्स के दौरान बॉयज और गर्ल्स में कितने डिफरेंस के हिसाब से इनकी जो हाइट बढ़ती है, तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एज इन ईयर्स इस कॉलम में दिया है, तो दूसरे साइड में परसेंटेज ऑफ फुल हाइट और बॉयज़ और गर्ल्स में। तो यह 8 साल का जब होगा, जब लड़का 8 साल का होता है तो इसकी जो हाइट हो उसकी 72% बढ़ जाती है तब तक, तो गर्ल्स में 77। इसका मतलब है जब 8 साल के आफ्टर 8 ईयर्स लड़के जो है वो 72% की हाइट अटेन करते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो 77% हाइट अटेन करते हैं। तो 9 साल के जब ये पहुंच जाएंगे तो बॉयज में 75 और गर्ल्स में 81, यानी इनमें गर्ल्स एज कम्पेयर टू बॉयज हाइट ग्रोज मोर फास्टर देन बॉयज ज्यूरिंग दिस 8 ईयर्स 9 ईयर्स 10 ईयर्स एंड दिस 11 ईयर्स 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स 14 ईयर्स एंड दिस 15 ईयर्स एंड 16 ईयर्स। तो मैं आपको एक हर साल के हिसाब से बताऊंगा। तो जब ये 10 साल के पहुंच जाते हैं तो बॉयज की हाइट 78% कंप्लीट हो जाती है और गर्ल्स की 84% हो जाती है। ये मतलब उनकी कुल हाइट का, जितनी उस लड़की को हाइट होना है उसका जो 88% उसने अटेन गेन किया होता है इस वक्त। तो जब ये 12 साल के हो जाएंगे तो बॉयज की हाइट 84% बराबर हो जाती है और गर्ल्स की 91%। जब ये 13 साल के पहुंच जाएंगे तो बॉयज 88% और गर्ल्स 95% की हाइट अटेन करेंगे। तो जब ये 14 ईयर्स के हो जाएंगे तो बॉयज 92% की हाइट अटेन करते हैं, और ये जो लड़की है उन्होंने 98% हाइट अगेन की हुई होती है। जब ये 15 ईयर्स के हो जाएंगे, लड़का जब 15 साल का हो जाएगा ये 95% हाइट अटेन करता है, जब और लड़की जब 15 साल की हो जाती है वो 99% हाइट अटेन करते हैं। हम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये 16 साल के हो जाएंगे, जब लड़का 16 साल का हो जाता है तो वो 98% हाइट गेन करता है, और लड़की इसी यानी कि 16 साल में 99.5% हाइट अटेन करती है। और जो ये क्या कहते हैं इसको, जब ये 17 साल के हो जाएंगे 17 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे तो बॉय जो है ये 99% हाइट अटेन करता है, और जो गर्ल्स है बराबर 100% हाइट अपनी अटेन की हुई होती है जब ये 17 साल की होती है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर लड़के को 18 साल में 5 फुट 7 इंच होना है या लड़की को 5 फुट होना है, तो इसका मतलब है कि जो लड़की है ये आपने जो पूरी की पूरी हाइट 17 साल में ही कंप्लीट करेगी, और लड़का जो है इसकी न सिर्फ 1% कम रहेगा, वो 18वें साल में इसका 1% कंप्लीट होता है, और जो गर्ल्स की वो तो 17 साल में ही कंप्लीट होती है। इसका मतलब है हाइट इंक्रीजेस मच मोर इन गर्ल्स एज कंपेयर टू बॉयज। ये टोटल हाइट की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम टोटल हाइट जो इनकी गेन होने वाली है उसकी हाइट हम करते हैं, जो टोटल हाइट बन जाती है वो ये एक, इसका मतलब है कि गर्ल्स जो है वो हाइट जल्दी जल्दी गेन करते हैं एज कंपेयर टू बॉयज।
तो ये हो गया ये। तो अगर हम आपको ये क्या कहते हैं इसको ये कैलकुलेट करना होगा, ये इसका जो हाइट निकालनी होगी आप कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट सेंटीमीटर में, तो आपको क्या करना है, एक फार्मूला इसके लिए दिया गया है आपको, एक प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर, जो प्रेजेंट हाइट किसकी क्या है सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज। इस एज में इसकी जो फुल हाइट होनी है वो कितनी है, इंटू हंड्रेड इस गिवन चार्ट, ये जो चार्ट दिया गया है इसका इस्तेमाल करना है। तो परसेंटेज ऑफ फुल हाइट आप इसी चार्ट से निकाल सकते हैं, तो इनको डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100 करना है इस चार्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ए बॉय इज 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, मिसाल के तौर पर एक लड़का है वो 9 साल का है, 9 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है उस वक्त जब ये 9 साल का था। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी, तो हम ये बता सकते हैं जब उसका जो ग्रोथ पीरियड एंड हो जाएगा, यानी कि 18 साल का जो वो बराबर हो जाएगा, उसकी वो ग्रोथ जो हाइट है बराबर मुकम्मल हो जाएगी, तो वो कितना उस वक्त होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये 120 सेंटीमीटर है जो इसकी जो प्रेजेंट हाइट है, जो 120 डिवाइडेड बाय 75 यानी कि परसेंटेज, इस वक्त परसेंटेज हम निकालेंगे, यानी हम यहाँ पे देखिए जो 9 ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे 9 साल, तो इसका मतलब बॉयज में उस वक्त कितनी हाइट है, 75%। तो इस टेबल का हम इस्तेमाल करेंगे, ये डिवाइड बाय जो यहाँ पे 75 है ये यही है 75%, यानी यहाँ के चूंकि ये 9 साल का है, 9 साल में इसने कितनी हाइट गेन करनी है, 75%, यहाँ हम इसका लगाएंगे तो 125 सेंटीमीटर होगा इसका जो प्रेजेंट हाइट है सेंटीमीटर में, डिवाइड बाय 75 होगा ये परसेंटेज जो 9 साल की हो, इंटू 100 सेंटीमीटर, जो फार्मूला का जो 100 सेंटीमीटर है ये इसको इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज हमें निकालनी है, क्योंकि परसेंटेज 100 में से ही निकलती है, इंटू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर टॉल। इससे हमें ये निकल गया कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, जब इसकी जो फुल हाइट हो जाएगी, जब ये 18 ईयर्स का ओल्ड हो जाएगा, इसकी 100% हाइट गेन करेगा, उस वक्त इसकी जो हाइट होगी वो 160 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा ये। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, दिस इज ऑल फॉर टुडे, टुडे वी स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, एंड we introduced, we learned some important things regarding this, what is adolescence, and we also understood, we learned what is puberty, and we also learned some changes which takes place in boys and girls during the onset of puberty, to aur jo puberty ke darmiyan kon kon si jo changes isme aa jati wo bhi humne padhi, inshallah we will continue this topic tomorrow, and we will learn more about this topic that is reaching the age of adolescence, and till then it is goodbye for me, inshallah we will meet again, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.